हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एवरेज। आज की इस टॉपिक में हम कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस जो एवरेज पे आते हैं, और इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चंस आते हैं ईएससी में, गेट में, एसएससी, आरआरबी, जेई, मतलब कि सब में क्वेश्चंस आते ही आते हैं एवरेज से रिलेटेड। मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एवरेज के सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से लगा लेंगे, और मैं अपनी वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टाइप्स हैं, वो सारी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस चलो देखते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट की, कंसेप्ट कि देखो एवरेज होता क्या है। एवरेज होता है कि देखो हमारे पास नंबर है बहुत सारे, जैसे हो गया 2 2 2 4 4 4। हमसे कोई पूछेगा इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है? जो लगभग सबके पास, अगर हम बांटें सबको, तो एक ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबके पास आएगी? तो अब देखते हैं, यहाँ पे 4 है। अगर 4 अपना एक नंबर इसे दे दे, ये वाला 4 अपना एक नंबर इसे दे दे, ये वाला 4 अपना एक नंबर इसे दे दे, तो इन तीनों के पास एक एक ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 3। और इनमें से एक एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 3 3 3। तो इनका एवरेज कितना आ गया? इनका एवरेज आ गया 3। समझे आप? मतलब कि बहुत सारे नंबर को किसी एक नंबर से डिनोट करना कि लगभग इतना सबके पास होगा, वो होता है हमारी एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो देखिए हम मैं बेसिक बता दें कि एवरेज होता क्या है किसी को आपको समझाना है तो। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन से। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि हर एक को समझ में आए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार, ये अनगिनत बार पूछा गया, और ये पूछते आए हैं और पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हमें एवरेज बताना है। इसे हम क्वेश्चन में पूछा है कि हमें एवरेज बताओ ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स का। देखो हमें इसमें पूछा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर, तो आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है ऑड। यहाँ पे ऑड लिखा है, ऑड का मतलब क्या होता है? ऑड का मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे एन। ठीक, एन मतलब जो हमें नंबर दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में कौन सा नंबर दे रखा है हमें? 25। तो आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, आपका आंसर होगा 25। देयरफॉर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 25, विच इज इक्वल्स टू एन। आप देखिएगा कि क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी 25। एक ना एक MCQ जो होगा उसके अंदर 25 होगा, आपको उसी पे टिक लगाना है, हमेशा आंसर होगा 25। ठीक है, ऑड नंबर के अगर यहाँ पे अगर 50 होता, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर होता, यहाँ पे 100 होता, तो उसका आंसर वही होता। अगर 50 होता तो 50 आंसर, 100 होता तो 100 आंसर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर। देखो इसके अंदर हमने ऑड निकाले थे 25 फर्स्ट, ठीक है, इसके अंदर हम इवन निकालेंगे। देखो इवन 25 फर्स्ट, ठीक है, तो देखो इवन अगर हम निकालते हैं तो देखो इवन का मतलब हो जाएगा एन प्लस 1, बात खत्म, बात सारी खत्म होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर मतलब कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स कितना आएगा? एन प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 26। हो गया, कुछ करना ही नहीं, आंख बंद करके सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन, बस ये देखना है हमें इवन है या तो ऑड है। अगर हमारा ऑड है तो सीधा सीधा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वही आंसर होगा, अगर इवन होगा तो जो क्वेश्चन में गिवन है उससे एक ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी मैं बहुत सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो मेरी आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं थोड़ा सा टफ लेके जाऊंगा, बट उसे भी मैं अपने ट्रिक से काफी सिंपल कर दूंगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट, The average of first 99 even numbers। हमें इसके अंदर पूछा है कि एवरेज बताने फर्स्ट इवन नंबर्स का, फर्स्ट 99 इवन नंबर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा इवन नंबर पूछा, इवन नंबर क्या होता है हमारा? एन प्लस 1, और ये हो गया हमारा एन, और इसमें प्लस 1 कर देंगे, तो आंसर कितना हो गया? 99 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 100, बात ही खत्म हो गया। ये हमने क्योंकि इवन पूछा, अगर हमसे इसी की जगह पूछा होता कि फर्स्ट 99 ऑड नंबर, तो हम क्या करते, सिर्फ यही लिख देते एन, तो एन हो गया हमारा 99, तो इसका आंसर हो गया 99, है कि नहीं? कितना सिंपल है। उसके बाद अब हम करने वाले हैं थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हमने बात कर ली इवन की और ऑड नंबर की। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हम नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम, वट
इज द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। देखो इसका ना फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर पूछ रहा है, तो हमें इसमें देखना क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, इसे हम करेंगे एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू से। ठीक है, तो देखो अब इसका सॉल्यूशन कितना होगा, एन हो गया हमारे 50, तो 50 प्लस वन डिवाइडेड बाय टू विच इज इक्वल्स टू 51 बाय टू विच इज इक्वल्स टू 25 बाय 5, ये हो गया हमारा आंसर। देखो कुछ करना ही नहीं है यार, आराम से करना है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिसके अंदर मैं बड़े वाले मेथड से करता हूँ और साथ में करूंगा ये जो मेरे छोटे वाले मेथड है उनसे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ ए वी आर ए जी, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एवरेज निकालना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, अब एक्चुअल मेथड, ये जो हमारा एक्चुअल मेथड है वो क्या है, एक्चुअल मेथड। देखो एक्चुअल मेथड क्या कहता है कि एवरेज निकालना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय जितने नंबर होते हैं, कितने, 1 2 3 4 5, तो इसे डिवाइड कर दिया हमने 5 से, ये कितना हो गया 15 बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्चुअल मेथड, जो एक्चुअल मेथड से करना चाहिए जैसे हमने ऊपर वाला किया है। ठीक है, तो देखो अब हम करेंगे सिंपल मेथड से जो हमारा है। ठीक है, सिंपल, ठीक है, सिंपल वाले मेथड से हम करेंगे। सिंपल वाला मेथड क्या बोलता है, नेचुरल नंबर बताना है 5 का, तो क्या करेंगे, एन प्लस वन बाय टू विच इज इक्वल टू, एन कितना है 5 प्लस 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू 6 बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। ये देखो आंसर दोनों का सेम आया है कि नहीं, ये कितनी जल्दी हो गया, इसमें कितना टाइम लगेगा आपको, ये तो फर्स्ट 5 नेचुरल टर्म बोला है। अगर ये 50 बोलता, 100 बोलता, फिर क्या कर लेते, फिर क्या सबको ऐड करने बैठते, नहीं ना। तो ये वाला मेथड सबसे बढ़िया है करने के लिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा ही, ये आप क्वेश्चन मेरे से पहले करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर पूछा है हमसे द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज व्हाट, बोला कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होगा, तो निकालो एवरेज कितना होगा। हमें नेचुरल नंबर की बात की है, तो एन प्लस वन बाय टू, हमारा एन हो गया 100 प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, ये कितना हो गया 101 बाय 2 विच इज इक्वल टू 50.5 निकल गया। देखो ये तो थे बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसमें लोग प्लस करने लग जाते हैं, फिर एवरेज निकालते हैं, 100 नखरे करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये सिंपल तरीका, हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम सम वाले करेंगे, अर्थमेटिक मीन वाले करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन वाले करेंगे, थोड़ा सा हम लेवल बढ़ा देंगे। तो ये अभी था बस छोटा सा लेवल एवरेज निकालने के लिए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।